आपको पता है कि ये बंदा जिसका नाम भरत जैन है, ये भारत देश का सबसे अमीर भिखारी है। ये मुंबई में भीख मांगता है और आज इसने अपना बहुत ही बड़ा फ्लैट खड़ा कर दिया है और इसकी दो दुकानें भी हैं जो कि ये रेंट पर देता है और उससे भी ये 30,000 तक कमा लेता है। और क्या आपको पता है कि ये स्टीफन हॉकिंग जो महान साइंटिस्ट हैं वो उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन गैलीलियो का देहांत हुआ था और उस दिन इनका देहांत हुआ था जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ था। ग्रेट कोइंसिडेंस। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे गजब के फैक्ट्स जानने वाले हो कि आपके मुँह से एक ही वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल। तो चलिए शुरू करते हैं एक और फैक्टो फन फैक्ट सीरीज़। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि अमेरिका में जब किसी छोटे बच्चे का दांत टूटता है तो उस बच्चे को $3.70 दिए जाते हैं गिफ्ट के तौर पे। फैक्ट नंबर टू, यह बात तो आप सभी लोगों को पता है कि सांप और लिजार्ड जैसे जैसे ग्रो होते हैं वो अपनी स्किन्स को बदला करते हैं। ये बहुत ही आम बात है, लेकिन इसी बात को लेकर इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पता लगाया कि हो सकता है कि डायनासोर्स भी ऐसा ही करते हैं, वो भी अपनी स्किन्स चेंज करते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, साल 1886 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का को ख़रीद लिया था, वो भी सिर्फ $7.2 मिलियन में एक चेक के तौर पर। उन्होंने एक चेक रशिया को दिया और एक देश खरीद लिया। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि सांप के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो भूकंप यानी अर्थक्वेक को 75 मील दूर से ही सेंस कर सकता है और इतना ही नहीं वो अर्थक्वेक के आने से 4-5 दिन पहले उसे सेंस कर लेता है। फैक्ट नंबर फाइव, एक रिसर्च में ये पता चला कि ह्यूमन बोन्स हर 10 सालों में रीजनरेट हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आप हर 10 सालों के बाद नई हड्डियों को अपने साथ लेकर घूमते हो। फैक्ट नंबर सिक्स, अब्राहम लिंकन जिनको आज पूरी दुनिया जानती है उन्हें कैट्स यानी बिल्लियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इसीलिए एक बार ऐसा हुआ कि व्हाइट हाउस में पार्टी चल रही थी तो अब्राहम लिंकन ने एक कैट को भी डाइनिंग टेबल पर बुला लिया, पार्टी में शामिल कर लिया और उसने भी पार्टी सेलिब्रेट की। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि जो आपके मुंह में सलाइवा मौजूद है अगर उसे निकाल दिया जाए तो आप किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाओगे और इतना ही नहीं सलाइवा में पेन किलर्स मौजूद होते हैं। आपने जानवरों को एक दूसरे को लिक करते हुए देखा होगा, इससे उनकी चोट ठीक होती है। फैक्ट नंबर एट, मोनालिसा की पेंटिंग को सब लोग जानते हैं और ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, लेकिन फैक्ट ये है कि मोनालिसा की पेंटिंग एक बार चोरी हो गई थी तो उतने लोग पेंटिंग को देखने नहीं आते थे जितने लोग उस खाली जगह को देखने आने लगे जहां पर मोनालिसा की पेंटिंग रखी थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। फैक्ट नंबर नाइन, जेलीफिश के बारे में एक बड़ा ही अजीब सा फैक्ट सामने आया है कि जेलीफिश खुद से नहीं मरती हैं, मतलब अगर उन्हें कोई मारे ना, उन्हें कोई जान से ना मारे तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी, वो खुद से नहीं मरती हैं जिस तरह से हम लोग मरते हैं। फैक्ट नंबर टेन, एक बार एक म्यूज़िक क्लास में बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक सीख रहे थे, उसी के दौरान उनके टीचर ने एक बच्ची को निकाल कर उससे कहा कि तुम म्यूज़िक मत सीखा करो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बकरी के जैसी है। उस बच्ची ने अपनी इस बेइज्जती को नहीं सहा और आज उस बच्ची को लोग शकीरा के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपको ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाऊं जहां पर वेटर्स ना हो बल्कि बंदर वेटर का काम करते हों तो आपको कैसा लगेगा? आप भी कह रहे होगे बड़ी अजीब बातें कर रहा है, लेकिन जापान के कुछ रेस्टोरेंट्स में ऐसा देखा गया है, वहां पर वेटर्स बंदर होते हैं और उन्हें सैलरी के बदले केले मिलते हैं खाने के लिए, क्योंकि बंदर पैसे लेकर क्या करेंगे, उन्हें तो खाने से मतलब होता है इसीलिए वो उन्हें केले दे देते हैं। और ये बंदर बहुत ही अच्छे से ट्रेन भी होते हैं, ये हर एक चीज़ को समझ भी जाते हैं और हर एक चीज़ जल्दी जल्दी पहुंचा भी देते हैं कस्टमर तक। बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं और ये उन्हीं में से एक है कि बंदर वेटर का काम करते हैं, वो भी बड़े ही बारीकी से वो अपना रोल निभा लेते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं ये बंदर भी, मुझे आज पता चला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना।